यार, यकीन नहीं हो रहा पापा हमें संडे घुमाने लेकर आए हैं। हाँ यार, मुझे भी हजम नहीं हो रहा कि पापा हमें घुमाने लेकर आए हैं। अरे बातें करते रहोगे, मेरे साथ रेस भी लगाओगे? आ रहे आ रहे आ रहे। माने रे माने रे माने रे माने रे नहीं ओ नन्ही जान, छोड़ा सीना तान, चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान। बहुत मजा आया पापा, मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा झूला देखा था। चलो वहाँ चलते हैं। चलो चलते हैं। पापा यहाँ चलेंगे? नहीं, हम वहाँ चलेंगे। ये किसी ने आपके लिए भेजा है? हमें कौन पर भेजेगा? अबे ये कहाँ गायब हो गई भी? पढ़ती हूँ क्या है इसमें? है इसकी आँख, हमें दुबई की 3 टिकट फ्री में लिया है। फ्री? इधर दिखा। अबे ये तो खाना भी फ्री है। क्या बोले जा रहे हो? मुझे दिखाओ। कुछ पढ़ना आता नहीं ऐसे बोले जा रहे। अरे इधर दुबई में आना जाना रहना सब फ्री है। अरे वाह, पापा वेट किस बात का, फटाफट पैकिंग करते हैं और दुबई के लिए निकलते हैं। लेकिन बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ पापा चलो ना, रोज रोज ऐसा मौका थोड़ी आता है। हाँ। चलो पापा सो जाओ, मैं चलो 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 चलो। बोए चिंदी चो, तेरी जेब में 10 रुपए होते नहीं है, दुबई की टिकट तेरी कहाँ से लग गई यार? अबे ओ, तू मुझे हल्के में लेता है क्या? देख वहाँ कुछ ऐसा था कि मेरी मम्मी ने मुझे दुकान भेजा था 10 किलो आटा लेने, फिर मुझे वहाँ लॉटरी की टिकट घिसने का मौका मिल गया, फिर क्या तेरे भाई ने टिकट घिसी और मुझे दुबई की टिकट मिल गई। और तू ज्यादा नहीं बोल रहा, एक काम कर अपना सामान पकड़ो घर निकल जा। अबे यार भाई तू तो बुरा मान गया यार, मैं तो बस ये बोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने यार इतने पैसे बर्बाद करे लॉटरी में, मेरी तो आज तक साबुन की टिकिया नहीं लगी, तेरी दुबई की टिकट कहाँ से लग गई यार? अरे भाई अब हर किसी की किस्मत घुन्नू भाई जैसी हो जाएगी क्या? दिस इज कॉल्ड किस्मत ब्रो, किस्मत। जल्दी से चल, वरना टिकट हाथ में रह जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा अच्छा चल चल चलते हैं। पापा देख रहे हो कितना बड़ा हवाई जहाज है, पर मैं सोच रहा हूँ इतने बड़े में हम तीनों ज्यादा नहीं हो जाएगा, कैसे जाएंगे? बेटा इस हवाई जहाज में और लोग भी जाएंगे। ओ अच्छा ऐसा है। अबे अबे तुम लोगों को दिख रहा है ये एयरप्लेन की पंखुड़ी पे कुछ चील बैठी हुई है? ओ, बेटा ये चील नहीं, ये कौआ है। कौआ? ये ना तो चील है ना तो कौआ है, ये चुड़ैल है। अबे भाई चुप कर, सुबह सुबह चुड़ैलों का नाम मत ले, नहीं तो पीछे चिपक जाएगी। सुनो तो। तो क्या सुनो, चुप रहे, मूड मत खराब कर, शादी से चल, परफ्यूम लगा कर आइए, चुड़ैल तो पक्का पीछे आएगी इसके। अबे भाई देख चुड़ैल चुड़ैल। भाई इस प्लेन में मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है यार। अबे वो अंधे ध्यान से देख, वो चुड़ैल नहीं है, वो किसकी काली चुन्नी है। तू कहां का डर रहा है? तेरा भाई तेरे साथ है ना, है ना? तू डर मत, तेरा भाई तुझे दुबई लेके जाएगा। तू डर मत। अबे मैं हूँ ना। अबे आ तू। हमारी एयरलाइन धक धक बजाते रहो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कौन सी एयरलाइन है, बड़ी खतरनाक सा नाम लग रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमें मत कहिएगा, हम नहीं आएंगे यहाँ बचाने। अरे आप आ गए, आप ही का तो इंतजार था। भाई भाई ये देख कितनी सुंदर एयर होस्टेस है। मेरी भाभी है, फालतू मत बोलियो इससे। हेलो जी, ये लो। आप भी आए इसमें, लगता है आपको उड़ाने में भी बहुत मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो आपके साथ उड़ना है। आप मेरे साथ उड़ोगी ना? बिल्कुल उड़ेंगे।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस एयरलाइन में। सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट को कस के बांध ले, वो भी बेल्टों से नहीं बल्कि अपने हाथों से। और जैसे ही हवा का दबाव कम होने लगे, एक हाथ अपने मुंह पे रखे और दूसरा हाथ भी अपने मुंह पे रख के अपने मुंह को दबा दीजिए ताकि आपको ज्यादा सांस मिले। क्या मेंटल एरोस्टेस है? तो सांस घुट जाएगी और मर जाएंगे हम। नहीं तो आप सभी का शुक्रिया, हमारी एयरलाइन धक धक बजाते रहो में आने का धन्यवाद। कद्दू पायलट है, इसको प्लेन चलाना आता भी है नहीं। अभी कुछ हो जाता मुझे। ओए माँ, मुझे बोझों की बाथरूम आ रहे हैं, मैं बाथरूम करके आ रही हूँ। चले हम। अबे मेरी आंखों का धोखा है, ये प्लेन खुद ही चल रहा है। अबे यार विधि 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 अभी क्या है, क्यों चला रही है? अबे वो देख, प्लेन अपने आप ही चल रहा है। मैंने तुझे बोला था इस प्लेन में कोई झोल है, पर तूने मेरी सुनी नहीं ना। एक काम करते हैं, पापा के पास जाते हैं और पापा को बताते हैं। चल चल जल्दी। क्या हुआ बच्चों, इतना घबराए हुए क्यों? घबराएंगे क्यों नहीं, अरे वो देखो प्लेन अपने आप ही चल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, ये पायलट मोड पे चल रहा है। कद्दू पायलट मोड पे चल रहा है? पायलट तो सुबह से मुझे दिखा नहीं, पायलट मोड पे कैसे चल सकता है? मैं तो जा रही हूँ अपने पापा को सब बताने। हम आपको चावल दिखते हैं, चल चल पापा को सब बता देंगे। चल विधि जल्दी चल। उठो पापा, आपको कुछ बताना है पापा। अरे बच्चों, मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो जरा। आप क्या करें? एयर होस्टेस जी, आपने बुलाया। मैडम, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप इधर उधर काम कर रही हो, थक नहीं गई? आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, आपको पता है मेरी मम्मी ने टिफिन भेजा है, उसमें आलू के पराठे हैं। आओ बैठो। एक हजूर, पीछे जा तू। अरे मैडम, वो क्या है ना, मुझे ना प्यास लग रही है, आप मेरे लिए मम ले आओगे? लाती हूँ। हाथ तो छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगी? अभी बताते हैं। अरे वाह, तुम्हें जादू आता है? मुझे भी आता है जादू। तुम्हें पता है मैं टोपी में से कबूतर निकाल लेता हूँ, बताओ निकालूं? मंजुलिका। मंजुलिका? हाँ बहन। तुमने मुझे बुलाया, इसको प्यास लगी है, इसकी प्यास बुझाओ। इसकी प्यास तो मैं अभी बुझाती हूँ। अरे ये पानी की बोतल कहाँ से बन गया यार? रुको, तुम्हें क्या लगता है इधर उधर भागने से क्या तुम मुझसे बच जाओगे? आमी मांजुलिका काली घटा।
अरे हमें कुछ मत करना, हाँ पहले ये बेचारा जो बोतल बना हुआ है उसको इंसान तो बना दो, फिर बातचीत करेंगे। मोहतराने हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों सता रही हो? अच्छा कहा था हम दुबई जा रहे थे, हमारी फ्लाइट ही मिली हाईजैक के लिए, और आप लोग भूती कैसे बने? मेरा एक सपना है, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। सपना? अरे सपना तो हो जाएगा पूरा, ये तो बताओ भूती कैसे बने आप दोनों? मंजुलिका, बहुत पुरानी समय की बात है। अरे दिया भी इतनी तेज क्यों चला रही हो? यार तुझे पता है ना आज मेरी शादी है, और अगर मैं लेट पहुंची ना तो मेरा दूल्हा भाग जाएगा। चुप रह। पर दी आपके दूल्हे के चक्कर में ना हम दोनों मर जाएंगे। अरे मैं देख के चला रही हूँ ना, तू चुप रह। दी प्लीज धीरे चलाओ, दी प्लीज यूटर्न लो आगे से, दी यूटर्न लो, यूटर्न लो। फिर हमारा प्लेन क्रैश हो गया और हम दोनों भूत बन गए। अच्छा और सपना क्या है आपका? मेरा ये सपना है कि जो शादी मेरी अधूरी रह गई उसे मैं अब पूरा करूं। शादी? भाई मैं चुलन से शादी नहीं करने वाला। भाई अपनी भी कोई इज्जत है, इमेज है मार्केट में। अट अब ओ भाई मैं भी चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा, इतना सुंदर स्मार्ट लड़का इस चुड़ैल से शादी करेगा? चुप करो तुम दोनों, मुझे इस टकले नौजवान गबरू से शादी करनी है। चुड़ैलों ने हमें भी रिजेक्ट कर दिया, गजब बेइज्जती है यार। अरे नहीं, मैं तो पहले शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। काली घटा। जब एक शादी हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती? एक घर वाली को रखो और दूसरी बाहर वाली को। भाई तुझे तो डर लग रहा है ना, तेरा भाई तेरे साथ है। पापा, पापा शादी कर लो ना यार, आपको अच्छा लगेगा, ये दोनों हम दोनों को मार देंगी तो। ओ बच्चों, एक चुड़ैल तो घर में पहले बैठी है, अब दूसरी चुड़ैल मैं कहाँ ले जाऊंगा, मैं नहीं शादी करूंगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार डालूंगी। मंजुलिका, काली घटा। अरे पापा अगर आपने शादी नहीं करी ना तो ये बुद्धि हमें मार डालेगी। अरे हम पे जुल्म मत करो, वैसे भी अगर आपने शादी कर ली ना तो दोनों चुड़ैलों में लड़ाई होती रहेगी और एक आध तो मर जाएगी, आप भी आजाद और हम भी बच जाएंगे। चलो ठीक है, आप कहते हो तो। चलो दीदी तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, हम मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां करती हूँ। अदिति, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। काली घटा। मम्मी। सुना लड़कियों, आज मेरी दीदी की शादी है, अगर उनकी शादी में कुछ भी गड़बड़ करी ना तो तुम्हारे अंजर पंजर सब ढीला कर दूंगी। जाओ जाके मेरी दीदी की शादी की तैयारियां करो और उन्हें जाके भी अच्छे से सजाना और अपने डांस परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से देना, समझ गए? ठीक है। काली घटा। काली घटा। सुनो छजुंद्रो, आज मेरी दीदी की शादी है, सारे ढोल नगाड़े सब तैयारी अच्छे से करना, समझ गए हो ना? और हाँ ये कुत्तों वाले कपड़े पहन के मत आना, इंसान बन के आना, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तिया को खिला दूंगी। अरे भूतनी दीदी आप किसी बात की टेंशन मत लो, हम तो किसी भी शादी में जाते हैं ना एकदम सुंदर बन के जाते हैं, आप टेंशन मत लो ना। अबे तेरा भाई ब्लेजर लाया है, वो पहन के जाएगा। काली घटा। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, आ
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं नागिन 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 डांस नचना काली घटा भूतनी उसका भी बड़ा नाम है। अरे जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। चटाई पे सुला दो चादर का क्या काम है। अरे जिसकी पत्नी नागिन सब पेड़े का क्या काम है। गाना अब कोई डांस नहीं होगा। मेरी दीदी की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब सिर्फ शादी होगी। चलिए दीदी, चलिए जीजा जी, शादी का समय है। काली घटा। बच्चों मुझे बहुत डर लग रहा है, इस प्लेस में मैं शादी नहीं कर सकता। पापा पापा ऐसे मत बोलो, अगर आपने चुड़ैल से शादी नहीं करी ना, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हम दोनों को मार डालेगी। बेटा अगर मैंने चुड़ैल से शादी कर ली ना, तो तेरी माँ मुझे घर में बैठी है जो वो मार डालेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं शादी कर सकता। रुको, अच्छा तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, अब देखो मैं तुम्हारी बच्ची के साथ क्या करती हूँ। अरे मेरी बेटी को छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है। चल ठीक है, मैं शादी करता हूँ तुम्हारे साथ, चला। अब आए ना लाइन पे। इसने तुम्हारे डाला था बहन। तो अब समय आ गया है शादी का। मेरी होने वाली माँ को ये शादी के साथ वचन कबूल है, मेरे पापा को कभी भी तंग नहीं करोगी, टाइम पे खाना दोगी और मेरी पहली मम्मी की तरह कभी भी नहीं मारोगी। क्या ये वचन आपको कबूल है? हाँ, मुझे ये शादी के वचन कबूल है, मैं कबूल करती हूँ ये शादी, बाकी तो मैं शादी के बाद देखूंगी। चलो फिर वरमाला पहनाओ। तो मेरे पिता, अब आपकी बारी, आपको ये नई चुड़ैल, मेरा मतलब की नई मम्मी कबूल है? आप सात वचन निभाने के लिए तैयार है और घर में दो युद्ध करने के लिए भी? मम्मी। कैसे आप सब और कैसी लगी है भूतिया बारात? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जाओ जल्दी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को देखो फैलाओ और आग लगा दो। मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।